सभी भाइयों को हितेश यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कन्हैयालाल डेयरी फार्म पर। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो हम एक ऐसे पशुपालक के घर से लेके आ रहे हैं जो रूटीन से पशुओं का सेल परचेज का काम कर रहे हैं, साफ़ सुथरे पशु रखते हैं, कम रखते हैं, ईमानदारी से पशुओं का सेल परचेज का काम कर रहे हैं। आगे मैं आपको भाई से मिलवाता हूं और भैंस के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। परमजीत। गांव? रजुआस। जिला? रेवाड़ी। तहसील? पालावास। अच्छा अच्छा, आज की वीडियो में हम आपको ये काफ़ी शानदार हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की और हैवी मिल्क लाइन की बफेलो दिखा रहे हैं। भाई साहब, कब बच्चा दिया जोटी ने? कल दिया भाई। अच्छा अच्छा, खीस से खाली कर दी? आज सुबह तक दी। अच्छा, पिछले ब्याज में कितना दूध निकाल रखा है? 16 लीटर। अब की बार कितने दूध की उम्मीद है? उम्मीद यही है 16-17 लीटर की। किसी भी पशु से हम उम्मीद ही कर सकते हैं, यदि अच्छी मेहनत अच्छी केयर करेंगे तो दूध निकालेगा पशु। बिना मेहनत के पशु दूध नहीं निकाल सकता। भाई साहब, खोल के चलाना। काफ़ी शानदार और जोशीले अडर की, काफ़ी बड़े अडर की है, काफ़ी चौड़े पीठ उठे के बिल्कुल रिंग सींग में, काफ़ी शानदार टेल थोड़ी ज़्यादा वाइट है, अडर काफ़ी बड़ा, चारों थन बिल्कुल अलग अलग साफ सुथरे मुट्ठी के आकार के थन, काफ़ी बड़े अडर की है। इतना दूध झोटी को निकालना चाहिए अडर के हिसाब से, काफ़ी शानदार अडर है झोटी का, बिल्कुल रिंग सींग में, इक्वल बैलेंस पे। तो भाई साहब, डाइट में अब क्या खिला रहे हो? डाइट में अब तो भाई बाजरा और मेथी। अच्छा, और नीचे इसके मेल का है या फीमेल? मेल। अच्छा, तो सेल के लिए है भाई साहब? सेल के लिए भाई। तो भाई साहब, रूटीन में कितने पशु मिलते हैं सेल के लिए? रूटीन में 6-7 पशु रखते हैं भाई। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब ईमानदारी से साफ सुथरे पशु प्रोवाइड करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छी है भैंस हमने आपको दिखाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी शानदार वीडियो लेके आते रहेंगे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी भाइयों को हितेश यादव की तरफ से नमस्कार।